हेलो स्टूडेंट्स टुडे अवर टॉपिक इज़ माई एस क्यू एल एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिसकस सम एस क्यू एल कमांड्स सो लेट स्टार्ट दिस इज़ अ कमांड नंबर सेवेंटीन डिलीट कमांड ऑफ एस तो डिलीट मंगंड के बारे में पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था डिलीट के थ्रू अगर हमें डेटा डिलीट करना है तो हम डेटा डिलीट कर सकते हैं बहुत आसानी से किसी भी टेबल का और डेटा डिलीट कर सकते हैं ड्रॉप के थ्रू भी लेकिन ड्रॉप और डिलीट में एक डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि ड्रॉप डी डी एल स्टेटमेंट है जबकि डी डी डिलीट स्टेटमेंट आपका बेसिकली डी एम एल को बिलोंग करता है तो ड्रॉप में डेटा डिलीट तो होगा ही साथ में आपका टेबल का स्ट्रक्चर भी आपका डिलीट हो जाता है लेकिन डिलीट में सिर्फ टेबल का डेटा डिलीट होता है स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है इसमें स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं होता तो ये बेसिकली डिफरेंस है ड्रॉप और डिलीट में पहली बात दूसरी बात यह है कि ड्रॉप डिलीट के अंदर हम डिलीट के थ्रू अगर हम डेटा डिलीट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कंडीशन भी लगा सकते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग तो सर्टेन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं तो वहाँ वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं अब तो वेयर क्लॉज तो हमने सेलेक्ट के साथ भी यूज़ किया था वेयर क्लॉज हमने अपडेट के साथ भी यूज़ किया था और वेयर क्लॉज हम डिलीट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं तो वेयर क्लॉज बेसिकली सेलेक्ट अपडेट और डिलीट के साथ यूज़ होता है तो देखिए जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन भी है द एस क्यू एल डिलीट क्वेरी इज़ यूज टू डिलीट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल तो टेबल का जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है यू कैन यूज़ वेयर क्लॉज विद डिलीट क्वेरी टू डिलीट सेलेक्टेड रोज अदरवाइज ऑल द रिकॉर्ड्स वुड बी डिलीटेड अगर हम वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं करेंगे डिलीट के साथ तो होगा ये कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे सिंटेक्स ऑलरेडी दे रखा है आपका देख पा रहे होंगे आप तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ठीक है डिलीट लिखेंगे उसके बाद फ्रॉम फ्रॉम के बाद टेबल नेम और उसके बाद अगर कंडीशन है तो कंडीशन लगाएंगे और अगर कंडीशन नहीं है उसके इसमें आप वेयर क्लॉज यूज़ नहीं करेंगे और सिर्फ हम इतना ही पार्ट लिखें तो याद रखिएगा कि सभी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे टेबल के ठीक है और पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो उसके इसमें एंड और और से कंडीशन को सेपरेट कर सकते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड और और ऑपरेटर तो वो उसी तरीके से वर्क करेंगे जैसे वो करते हैं चलिए देखते हैं सेकंड केस देखिए यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है और एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे हैं डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आई डी इजिकल टू सिक्स ठीक है 6. तो यहाँ पर सिर्फ उस कस्टमर की डिटेल या रिकॉर्ड शो नहीं होगा शो इसी नहीं होगा क्योंकि वो डिलीट हो चुका होगा इस कमांड के बाद इस क्वेरी के बाद वो जिसकी आई डी सिक्स है तो हमने लिखा डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स कस्टमर्स यहाँ पर टेबल का नेम है वेयर आई डीज टू सिक्स ये कंडीशन आई डीज टू सिक्स तो आई डीज टू सिक्स कस्टमर की डिटेल कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगी टेबल से और जब हम आउटपुट देखेंगे सेलेक्ट कमांड के थ्रू तो फिर हमें ये आउटपुट दिखाई देगा देखिए यहाँ पर सिक्स आई डी का कोई कस्टमर नहीं है क्यों नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसे डिलीट कर चुके हैं ठीक है तो ये आपका डेटा था कस्टमर टेबल हमने पिछली बार बनाई थी कस्टमर टेबल आप दोबारा से कस्टमर टेबल को बना सकते हैं एक्चुअली डिलीट टेबल कमांड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में तो यहाँ थोड़ा सा इसका रिवीजन था और इससे रिलेटेड एक और कमांड बतानी थी इसीलिए इसके बारे में थोड़ा बताया जा रहा है चलिए आगे देखते हैं सिर्फ आप इतना लिखें डिलीट फ्रॉम कस्टमर तो उस केस में क्या होगा उस केस में ये होगा कि कस्टमर टेबल के सभी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे टेबल डिलीट नहीं होगी सिर्फ रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे इसके ठीक है ड्रॉप में क्या आता है टेबल ही डिलीट हो जाती है उसके बाद आप डेस्क्राइब कमांड का यूज़ करके टेबल के कंटेंट को देखना चाह रहे हैं तो वो आप देख नहीं सकते लेकिन डिलीट में ऐसा नहीं होता डिलीट में सिर्फ डेटा डिलीट होता है टेबल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है इस पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेक्स्ट है ट्रंकेट टेबल कमांड या ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट देखिए अगर आप टेबल का डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं टेबल को डिलीट नहीं करना चाह रहे हैं तो उस केस में आप ट्रंकेट टेबल को यूज़ कर सकते हैं ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं यूज़ करना बहुत आसान है देखिए ट्रंकेट उसके बाद ट्रंकेट टेबल ये दोनों वर्ड की वर्ड लिखने पड़ेंगे आपको उसके बाद आपको टेबल का नेम लिखना पड़ेगा ठीक है तो जो भी आप टेबल का नेम लिखेंगे उस टेबल के सभी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे पहली बार अब आपको कुछ इसमें सिमिलरिटी नज़र आ रही होगी डिलीट और इसमें आप कहेंगे इसमें और डिलीट में क्या डिफरेंस है पहला डिफरेंस तो ये है कि इसमें आपका वेयर क्लॉज यूज़ नहीं होता डिलीट में वेयर क्लॉज यूज़ होता है डिलीट के साथ वेयर क्लॉज यूज़ कर सकते हैं करना चाहें ना करना चाहें हमारी चॉइस है कि उस पर कंडीशन है तो हम करेंगे कंडीशन नहीं है तो हम नहीं करेंगे सभी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे उस केस में डिलीट ट्रंकेट टेबल की तरह बिहेव करता है ठीक है लेकिन ट्रंकेट टेबल के साथ तो वेयर क्लॉज यूज़ ही नहीं होता यूज़ भी नहीं करते हम होता ही नहीं है इसके साथ तो ट्रंकेट टेबल का तो ये है कि अगर हमको सभी रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो सीधा हम ट्रंकेट टेबल कमांड के थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं डिलीट के साथ हमें वेयर क्लॉज का यूज़ अगर हम पर्टिकुलर कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो हम वेयर क्लॉज का यूज़ करके वो कर सकते हैं नहीं करना है तो हम डिलीट कमांड के थ्रू भी डिलीट कर सकते हैं तो ये बेसिक डिफरेंस है डिलीट और ट्रंकेट टेबल में सेकेंड एक और डिफरेंस है ट्रंकेट टेबल के थ्रू आप देखेंगे जब कभी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ट्रंकेट टेबल डिलीट के कंपेरिजन में कहीं कम टाइम लेता है आपका रिकॉर्ड्स को डिलीट करने में डिलीट के थ्रू टेबल को डिलीट करना में थोड़ा सा आपका इस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा आपका ठीक है वो इसके इंटरनल फंक्शनैलिटी है वहाँ पर हम नहीं जाएंगे वो आउट ऑफ द सिलेबस है आपके लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना है ट्रंक के टेबल और डिलीट में कि डिलीट के साथ वेयर क्लास का यूज़ करके हम पर्टिकुलर कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं कंप्लीटली टेबल के डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर सकते हैं पर ट्रंकेट टेबल में ऐसा नहीं है हम टेबल को डेटा को कम्प्लीटली डिलीट कर देते हैं ट्रंकेट टेबल के साथ इसके साथ कोई वेयर क्लॉज नहीं लगता इसलिए आ, हम एक तरीके से कहें कि हम सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स को डिलीट नहीं कर सकते तो ये बेसिक डिफरेंस है डिलीट और ट्रंकेट में चलिए आगे की बात करते हैं आगे देखिए आगे आता है आपका एग्रीगेट फंक्शंस तो अभी एग्रीगेट फंक्शंस आपको पढ़ना है और क्यों पढ़ना है एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पर क्योंकि हमको सीखना है यहाँ पर ग्रुप बाई क्लॉज के बारे में और ग्रुप बाई पढ़ने के लिए आपको एग्रीगेट फंक्शन को पढ़ना पड़ेगा ग्रुप बाई के साथ एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ होते हैं इसलिए एग्रीगेट फंक्शंस आपको पहले पता होने चाहिए इनको एग्रीगेट फंक्शंस क्यों बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन का मतलब क्या है ठीक है एग्रीगेट का मतलब ये है कि वैल्यूज़ को ये एग्रीगेट करते हैं ठीक है और एक सिंगल रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं जैसे एक एग्रीगेट फंक्शन है मीन फंक्शन की ये पहचान है कि इसके आगे पेरेंथेसिस का साइन होगा ठीक है और ये आपके पास पहले से कुछ वैल्यूज़ दे रखी होंगी एक सेट ऑफ वैल्यूज दे रखी होंगी उनमें से आपको ये पता करना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है तो मिन फंक्शन के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे आपको ये पता लगाना है कि वन थ्री फाइव सेवन में मिनिमम वैल्यू क्या है तो आप लिखेंगे मिन ठीक है और इसको वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव कॉमा सेवन ये लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर इसके अंदर ये वैल्यू पास करेंगे ठीक है इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी पर याद रखिएगा ये जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं ये कभी अपने आप ये इसको आप इंडिविजुअली यूज़ नहीं कर सकते इसको यूज़ करने के लिए आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट के का को आपको साथ लेना होगा इसके साथ ही लिखा जाता है इनको अलग से मिन आप लिखेंगे और वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी ऐसा नहीं होता है ये सेलेक्ट के साथ यूज़ होते हैं अब सेलेक्ट के साथ यूज़ होंगे तो टेबल भी यूज़ होगी अब इसमें तो कोई टेबल नहीं है देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल होती है ड्यूल ठीक है सिस्टम की टेबल होती है तो हम वहाँ पर सेलेक्ट मिन कॉलम कॉलम नेम की जगह वैल्यूज लिख देंगे फ्रॉम ड्यूल लिख देंगे फ्रॉम ड्यूल नहीं भी लिखेंगे तो भी बाई डिफ़ॉल्ट उसको ऑटोमेटिकली वो कंसिडर कर लेता है वो एक अलग बात है ठीक है तो ये तो बात थी तो इसको बात यहाँ पर ये यह चल रही थी इसको एग्रीगेट फंक्शन क्यों बोला जाता है एग्रीगेट फंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपने एक सेट ऑफ वैल्यूज़ ली जैसे आपने ली यहाँ पर वन थ्री फाइव सेवन और आपने इस पर एक कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन करने के बाद आपको रिजल्ट मिला जो आपकी एक सिंगल वैल्यू थी ठीक है सिंगल वैल्यू मिली जैसे इसमें इस केस में आंसर आएगा वन तो इसीलिए इनको एग्रीगेट फंक्शन बोला जाता है तो रिजल्ट को हमेशा रिजल्ट हमेशा एक इसमें एक सिंगल वैल्यू की फॉर्म में रहता है एग्रीगेट फंक्शन में और डिफरेंट वैल्यूज़ का कलेक्शन होता है जबकि भी हम एग्रीगेट फंक्शन के अंदर वैल्यूज को पास करते हैं लेकिन रिजल्ट हमेशा जो होगा एक सिंगल वैल्यू होगा तो इसलिए इनको एग्रीगेट बोला जाता है कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन्स हैं पहले तो ये समझना जरूरी है एग्रीगेट फंक्शन है मिन हो गया मैक्स हो गया काउंट हो गया सम हो गया और एक होता है ए बी जी एवरेज निकालने के लिए तो ये सभी आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं ठीक है ये सभी एग्रीगेट फंक्शंस हैं ये तो कॉमन कैलकुलेशन की बात थी उसके लिए हमको ये करना नहीं होता ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था मैंने मोस्टली केसेस में तो ये होता है कि टेबल के अंदर पर्टिकुलर किसी कॉलम में हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जैसे कोई टेबल कस्टमर है तो उसके हम उसमें हमें ये पता करना है कि मिनिमम सैलरी क्या है या हमको एक टेबल के अंदर पता करना है मिनिमम मार्क्स क्या है स्टूडेंट्स के तो वहाँ पर ये इस तरीके से यूज़ किया जाता है देखिए इसका सिंटेक्स देख लीजिए पहले आप सिंटेक्स क्या सिंटेक्स से समझ में आएगा आपको लिखा जाता है सेलेक्ट सेलेक्ट के बाद कॉलम का नेम जो भी कॉलम आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं और उसके साथ आपको मिन फंक्शन पर काम करना है तो आपको लिखना पड़ेगा मिन और एज ए कॉलम एज ए पैरामीटर वैल्यू आपको एक कॉलम पास करना पड़ेगा यहाँ पर ठीक है तो जो भी आप कॉलम पास करेंगे यहाँ पर ठीक है एज ए पैरामीटर वैल्यू तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी उसके बाद फ्रॉम जिस टेबल से वो कॉलम बिलोंग करता उस है उस टेबल का नेम और अगर कंडीशन है तो फिर वेयर क्लॉज कंडीशन है तो कंडीशन नहीं है तो कोई बात ही नहीं है फिर तो जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो कैलकुलेट हो ही जाएगी ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको एक टेबल लेते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड ये टेबल है और इस टेबल के अंदर ये रोल नंबर ये नेम और मार्क्स ये थ्री कॉलम्स हैं ठीक है थीके? अभी आपको करना ये है कि हम उनको मिनिमम मार्क्स निकाल लें इसमें स्टूडेंट्स इसमें, इसमें, के और मिनिमम मार्क्स ऐसे निकाल रहे हैं जहाँ मार्क्स एट्टी से ज़्यादा हों सिर्फ उनमें उस उसमें मिनिमम निकालना है हमको तो एट्टी से कम हो सॉरी से कम हो लेस देन एट्टी ये देखिए कंडीशन दे है यहाँ पर तो कमांड क्या लिखेंगे हम यहाँ पर तो हमें क्या लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लिखना पड़ेगा मिन को मैंशन करना पड़ेगा तो हमें लिखना पड़ेगा सेलेक्ट देन आफ्टर मिन कॉलम नेम हो जाएगा मार्क्स ठीक है फ्राम टेबल नेम हो जाएगा एस टी वन स्कोर वेयर के साथ कंडीशन आ जाएगी कंडीशन क्या आ जाएगी मार्क्स इज़ लेस देन एट्टी तो उस केस में एट्टी से लेस देन मार्क्स वाली कंडीशन में सिर्फ ये रिकॉर्ड ही सेलेक्ट होंगे और इसमें जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो क्या हो जाएंगे मिनिमम मार्क्स हो जाएंगे सेवेंटी टू ठीक है तो हालांकि यहाँ पर अगर ये ज़्यादा ये लिखा होता मार्क्स ग्रेटर देन एट्टी तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता ठीक है लेकिन चलिए जैसे आप कमांड लिखेंगे आउटपुट उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बताना मैं यहाँ पर यह चाह रहा था आपको सिर्फ कि मिन फंक्शन के थ्रू हम पर्टिकुलर किसी भी कॉलम में मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं और अगर आप कॉलम में नहीं निकालना चाह रहे सेट ऑफ वैल्यूज़ पर वर्क करना चाह रहे हैं तो वैल्यूज़ पास कर दीजिए एज अ पैरामीटर वैल्यू तो उसमें भी आपकी मिन मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी ठीक है और इसको हम हमेशा सेलेक्ट के साथ ही यूज़ करते हैं मिन को फंक्शन को कभी आप इंडिविजुअल यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है ये एग्रीगेट फंक्शन है सेलेक्ट के साथ ही यूज़ करते हैं इसको जैसे इसमें लिखा सेलेक्ट मिन मार्क्स फ्रॉम एस टी अंडर स्कोर आर सी एस टी अंडर स्कोर आर सी टेबल का नेम है उसके बाद कंडीशन है तो कंडीशन लगा दीजिए जो भी कंडीशन होगी वट एवर उसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर आएगा ठीक है कंडीशन होनी चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर आएगा और कोई रिकॉर्ड उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट नहीं होता तो नल दिखाएगा तो ये नहीं है कि ये कंडीशन ऐसा क्यों है या हमने मार्क्स लेस देन एटी क्यों ले लिया ग्रेटर देन एट्टी क्यों नहीं लिया इसका क्या सेंस है मैं बात सेंस की नहीं हो रही यहाँ पर एक सिंटेक्स की बात हो रही है ठीक है तो जो भी कंडीशन फुलफिल होगी उसके अकॉर्डिंग मिनिमम मार्क्स निकल के आएंगे एक तो ये हो गया आपको ये समझ में आ चुका होगा आई थिंक अभी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको आगे देखते हैं अब बात करते हैं मैक्स की तो मैक्स जस्ट अपोजिट है मिनका मैक्स से हम मैक्सिमम मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं और बाकी सब चीज़ें सेम ही है मिन की तरह मतलब इसमें भी सेलेक्ट का यूज़ करते हैं इसमें भी सेलेक्ट के साथ ही इसको मैक्स को यूज़ करेंगे कंडीशन होगी तो वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे कंडीशन नहीं हुई तो नहीं यूज़ करेंगे जैसे इसी में अगर मुझे जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन एट्टी उसमें मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं तो रिकॉर्ड तो इस केस में देखिए यही हुआ ना ये दो रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे और इसमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी सेवेंटी नाइन सेवनटी नाइन आंसर आएगा अभी ठीक है तो हम लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स कॉलम पास कर दिया हमने इसके अंदर मार्क्स एज ए पैरामीटर फ्रॉम टेबल नेम हो गया स्टूडेंट अटेंडेंस को आ सी वेयर के साथ कंडीशन लिख दी हमने वेयर मार्क्स इज़ लेस देन एट्टी तो आंसर क्या आ जाएगा सेवेंटी नाइन आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा मैक्सिम में डिफरेंस क्या है ठीक है आगे बात करते हैं देखिए अच्छा यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको सेट ऑफ़ वैल्यूज़ दे रखी हैं उसमें से आपको मिनिमम मैक्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे ये देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको हम लिखेंगे सेलेक्ट ठीक है सेलेक्ट के बाद स्पेस का मैं तो मैं नेक्स्ट टाइम में लिख रहा हूँ यहाँ पर लिखेंगे मैक्स और जो भी वैल्यूज़ हैं सपोज़ मैंने लिखा है यहाँ पर वन थ्री फाइव ये थ्री वैल्यूज़ पास कर दी कॉलम नहीं पास नहीं कर रहा है यहाँ पर मैं सेट ऑफ वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ यहाँ पर ठीक है और फ्रॉम लिखेंगे वैसे वाइट डिफॉल्ट टेबल होती है ड्यूल होती है नहीं लिखेंगे तो भी आपका शो करेगा लिख देंगे तो और अच्छा है फ्रॉम ड्यूल कंडीशन है तो कंडीशन लिख दीजिए अदरवाइज़ कंडीशन नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सेमी कॉलन तो इनमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका आंसर आ जाएगा आंसर आ जाएगा इस केस में फाइव करके देखिएगा इसको ठीक है तो ऐसा नहीं है कि इसको हमेशा कॉलम के साथ ही अप्लाई करना है आपकी कोई कैलकुलेशन करनी है आप उस वहाँ भी ये यूज़ कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है और डील ऑप्शनल है आप माई एस में अगर नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा पता होना चाहिए डिफ़ॉल्ट टेबल होती है कैलकुलेशन करने के लिए चलिए आगे देखते हैं एसक्यूएल काउंट एवरेज और सम फंक्शंस तो ये भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं टोटल फाइव एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं तो अभी आपने दो को देखा अब ये थर्ड है काउंट इसके बाद है एवरेज उसके बाद है सम काउंट जैसा इसका नेम बता रहा है काउंट तो टोटल रिकॉर्ड्स को काउंट करने के लिए काउंट यूज़ करते हैं A, B, G, ए बी जी जो ये फंक्शन है ये एवरेज निकालने के लिए यूज़ होता है और सम जैसा नेम बता रहा है इसका टोटल या सम निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं ठीक है सिंटेक्स की जहाँ तक बात है तो सेम ही है जैसे बाकी का था फ़र्क सिर्फ इतना है फंक्शन का नेम बदल जाएगा बाकी सभी चीज़ें सेम रहेंगी वही सेलेक्ट रहेगा वही फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन है तो बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी तो काउंट का सिंटेक्स देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है सेलेक्ट और सेलेक्ट के बाद लिखा हुआ काउंट काउंट के बाद कॉलम का नेम लिखा हुआ है फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कंडीशन जैसे हमको ये पता करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स एट्टी से बिलो हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं हमको ठीक है अभी एग्जाम्पल थोड़ा आपको सही लग रहा होगा यहाँ पर तो अभी देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे हम लिखेंगे सेलेक्ट और हम लिखेंगे काउंट और चूँकि मार्क्स का हमें मिनिमम पता करना टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की एंट्री पता करनी तो मार्क्स को एज अ पैरामीटर वैल्यू पास कर देंगे इसमें फंक्शन में फ्रॉम टेबल नेम हो जाएगा एस टी अंडर स्कोर आर सी वेयर के साथ कंडीशन लगा देंगे कंडीशन क्या हो जाएगी मार्क्स लेस देन एट्टी तो आउटपुट कितना आ जाएगा आउटपुट आ जाएगा उस केस में टू ऐसे टू ही स्टूडेंट हैं आप जाके रिकॉर्ड में देख सकते हैं चेक कर सकते हैं ये देखिए ओनली टू स्टूडेंट्स है तो आउटपुट टू आ जाएगा इस केस में तो ये दिखा भी रहा है इस तरीके से आउटपुट टू आ जाएगा ठीक है अभी ये समझ में आ चुका होगा आई थिंक आपको आगे बात करते हैं ऐसे ही अगर आपको एवरेज निकालना है मान लीजिए आप ये पता करना चाह रहे हैं एट्टी स्टूडेंट्स हैं जितने एट्टी मार्क्स हैं यहाँ पर देखिए कंडीशन वही सेम लेके चलते हैं आपको ये पता करना है एस टी अंडर स्कोर रिकॉर्ड टेबल के अंदर आर ई सी टेबल के अंदर कि ऐसे uh, स्टूडेंट का आपको एवरेज मार्क्स चाहिए जिनके मार्क्स एट्टी से बिलो है तो क्या लिखेंगे सेलेक्ट ए वी जी मार्क्स फ्रॉम एस टी अंडर स्कोर आर ई सी वेयर मार्क्स इज लेस देन एट्टी ठीक है 80. तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया है एवरेज तो एवरेज निकल के आ जाएगा देखिए ये आपका आंसर आ जाएगा ये भी समझ में आ चुका होगा आपको अब तक उम्मीद है और ऐसे ही अगर सम निकालना चाहें सम में देखिए इसमें हमने एग्ज़ाम्पल दे रखा है और एग्ज़ाम्पल में क्या निकाला है एग्ज़ाम्पल में ये निकालने निकालना अगर आपको चाह रहे हैं कि एट्टी परसेंट से जिनके मार्क्स कम है ठीक है उनके आप टोटल मार्क्स निकालना चाह रहे हैं जैसे यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो एट्टी परसेंट से मार्क्स किसके कम है दो स्टूडेंट के अमन और भारत के एक है सेवेंटी टू और एक है सेवेंटी नाइन तो हम इसका टोटल निकालना चाह रहे हैं सेवेंटी टू और सेवेंटी नाइन कितना होता है आपका वन फिफ्टी वन ठीक है कितना होता है वन फिफ्टी वन तो कैसे निकालेंगे अभी हम उसकी जगह फंक्शन यूज़ करेंगे सम पिछली बार क्या यूज़ किया था हमने ए तो एवरेज निकला था ए बी जी फंक्शन को यूज़ करके अब यहाँ सम लिखेंगे तो सम निकलेगा तो हमने लिखा सेलेक्ट सम पैरामीटर में पास कर दिया कॉलम नेम मार्क्स उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम हो गया एस टी अंडर्ड्स का आ रही सी वेयर क्लॉस उसके बाद कंडीशन मेंशन कर दी हमने आंसर आ गया वन फिफ्टी वन तो ये था फंक्शन आई होप अभी आपको ये एग्रीगेट फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे तो टोटल कितने एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं टोटल होते हैं आपके फाइव कौन कौन से एक तो होता है सम अभी यूज़ किया हमने सेकंड हो गया मेन मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए नेक्स्ट हो गया मैक्स मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए फिर हो गया आपका काउंट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए ठीक है और काउंट के बाद लास्ट क्या हो जाएगा ए बी जी एवरेज निकालने के लिए इन सभी में सिमिलरिटीज क्या है सिमिलिटी ये है कि इन सभी को सेलेक्ट के साथ ही यूज करना होता है और एज ए पैरामीटर वैल्यू कॉलम नेम पास करना होता है उसी के अकॉर्डिंग ये आपका सम मिनिमम मैक्सिमम या काउंट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करते हैं या एवरेज फाइंड आउट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग करते हैं ठीक है और अगर वैल्यूज पर करना है तो उसके लिए टेबल डिफॉल्ट टेबल ड्यूल है आपकी डी यू एल याद रखिएगा तो अभी हमने एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में देखा अभी चलिए आगे चलते हैं SQL ग्रुप बाय ग्रुप बाय क्लॉस ग्रुप बाय क्लॉस क्यों यूज होता है पहले इसको समझना होगा हमको ग्रुप बाय क्लॉस क्या है ये भी समझना होगा द स्किल ग्रुप बाई क्लॉज इज यूज टू कोलबरेट विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इन टू ग्रुप्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होता है सेकेंड थिंग ये है कि ये आइडेंटिकल डेटा को ग्रुप्स में अरेंज करता है ठीक है नाम भी है इसका ग्रुप बाई तो आइडेंटिकल डेटा का अगर हमको कोई ग्रुप बनाना है तो हम ग्रुप बाई का यूज़ करते हैं सेकेंड पॉइंट द ग्रुप बाई क्लॉज फॉलोड बाई फॉलोज द वेयर क्लॉज इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड प्रसिड्स द आर्डर बाई क्लॉज इफ़ वन इज़ यूज तो ग्रुप बाई को सेलेक्ट के साथ तो यूज़ करेंगे पर सवाल ये है कि कहाँ यूज़ करेंगे सेलेक्ट के बाद हम कॉलम नहीं लिखते हैं फॉरम के बाद फिर उसके बाद फॉर्म लिखते हैं फिर टेबल नहीं लिखते हैं और कंडीशन होती है तो वेयर लिखते हैं जब इतना काम हो चुका होता है उसके बाद भी अगर हमको ग्रुप बनाना है तो उसके बाद हम ग्रुप लिखेंगे ठीक है याद रखिएगा और अगर आपको उसको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है हम जानते हैं ऑर्डर बाई ऑर्डर बाई को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ऑर्डर बाई हमेशा ग्रुप बाई के बाद आएगा याद रखिएगा तो ये इसका सिंटेक्स है आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कॉलम नेम वन कॉमा कॉलम नेम टू फ्रॉम टेबल नेम उसके बाद वेयर वेयर कंडीशन देन ग्रुप बाय और लास्ट में ऑर्डर बाय ठीक है चलिए एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं देखिए ये एक टेबल है कस्टमर इस बार थोड़ा सा कस्टमर टेबल को चेंज कर दिया मैंने और चेंज इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे ग्रुप बनाना है ठीक है अभी ये देखिए आप इसमें रमेश नेम टू टाइम्स अपीयर हो रहा है कौशल नेम टू टाइम्स अपीयर हो रहा है हार्दिक कोमल और मुवीन ये ओनली वन टाइम है यहाँ पर सिंगल टाइम यहाँ पर शो हो रहा है और मुझे ये पता लगाना है यहाँ पर देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव uh, यहाँ पर क्या है आप पहले उसको समझिए करना क्या है इसके अंदर uh, मुझे ये पता लगाना है कि रमेश की टोटल सैलरी कितनी है जब मैं कहूँगा रमेश की टोटल सैलरी कितनी तो रमेश दोनों हैं तो दोनों की सैलरी टोटल होकर आ जाए एक की मान लीजिए टू तो थाउजेंड तो सेकेंड की वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटल थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड निकल के आ जाएगी इसी तरीके से कौशल की आ जाएगी टू थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड कितना निकल के आएगा एट थाउज़ेंड फाइव हंड्रेड ओके हार्दिक कोमल मुबीन हार्दिक कोमल मूवी नाम का कोई और कस्टमर नहीं है तो उनकी सैलरी का टोटल करेंगे भी तो वो तो सेम ही रहेगा तो यहाँ पर हम ग्रुप किस बेस पर बनाएंगे हम ग्रुप का जो बेस है वो है नेम कॉलम नेम हम नेम के बिहाब पर ग्रुप बनाएंगे हम नेम कॉलम को ध्यान में रखते हुए ग्रुप बनाएंगे और जब ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप के साथ ग्रुप बाई के साथ एक बात और इंपॉर्टेंट है कि हमेशा जब भी ग्रुप बाई यूज़ होगा तो उसके साथ एग्रीगेट फंक्शन जरूर यूज़ होगा इसलिए मैंने आपको पहले एग्रीगेट फंक्शन को पढ़ाया फिर मैं आपको ग्रुप बाई बता रहा हूँ और एग्रीगेट फंक्शन हम जानते ही हैं। फाइव एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं तो अभी इस केस में कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज़ होगा इस केस में हमको करना क्या है तो एक बात तो क्लियर होगी कि हमें ग्रुप बनाना है नेम के बेसिस पर और करना क्या है हमें उनकी टोटल सैलरी फाइंड आउट करनी है तो हमें यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन किस एग्रीगेट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी हमें एग्रीगेट फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी सम की आई थिंक ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी क्लियर तो हम क्या लिखेंगे हम देखिए ये लिखेंगे सेलेक्ट नेम देखिए अब सेलेक्ट के साथ जो भी कॉलम नेम आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे उसके साथ आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे जैसे हम करते हैं तो हम लिखेंगे सम और सैलरी क्योंकि हमको सैलरी का सम चाहिए तो एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर लिया उसके बाद लिखेंगे हम फ्रॉम कस्टमर्स और वेयर के साथ कोई कंडीशन है नहीं तो उसको मैंशन करने की ज़रूरत नहीं है होती तो हम पहले लिखते हैं उसके बाद लिखेंगे ग्रुप बाई और ग्रुप किस बेस पर बनाना है आपको नेम के बेसिस पर तो नेम के बेसिस पर ग्रुप बन जाएगा ठीक है और आपका आंसर उसी के अकॉर्डिंग शो हो जाएगा ये इस टेबल में थोड़ी सी मिस्टेक है तो ये इसका एक्चुअली में आंसर नहीं है याद रखिएगा इसका एक्चुअली में आउटपुट नहीं है आउटपुट इसका जो आएगा वो कुछ ऐसे आएगा रमेश लिखा हुआ आएगा और रमेश की सैलरी आ जाएगी यहाँ पर थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है ये आ जाएगा ये सबसे पहले आएगा फिर उसके बाद आंसर में शो होगा क्या शो होगा कौशल कौशल की सैलरी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो सेकंड नंबर पर आएगा कौशल कौशल देखिए इसके अंदर मिसिंग है ये इसका आंसर नहीं मैं पहले ही बता दिया आपको आप इसका आउटपुट लिखेंगे कौशल और कौशल की सैलरी हो जाएगी एट थाउज़ेंड फाइव हंड्रेड ठीक है उसके बाद कौशल के बाद आएगा हार्दिक हार्दिक की सैलरी है एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगा हार्दिक हार्दिक के बाद आएगा आपका कोमल और कोमल के बाद मुबिन तो हार्दिक के बाद कोमल आएगा फोर्थ नंबर पर और फिर मुमीन आएगा फिफ्थ नंबर पर इस तरीके से डेटा शो होगा ठीक है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी तो इसलिए मैंने आपको आउटपुट अलग से बताया तो ये इसका आउटपुट आएगा इस तरीके से आप टेबल को बना के देख लीजिए पहले इस टेबल को क्रिएट कर लीजिए और फिर जो मैंने कमांड बताई है आपको ये जो स्टेटमेंट ग्रुप बाई का स्टेटमेंट है इसको लिखिएगा तो आंसर जो मैं बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आएगा करके देखिए एस पर ठीक है नहीं होता तो हम अगली क्लास के अंदर इसको डिस्कस और करेंगे डिटेल में देखेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर शो होगा अब बात करते हैं हैविंग क्लास की कभी कभी क्या होता है ग्रुप पर भी कोई कंडीशन होती है ठीक है तो हम उस केस में उस कंडीशन को हैविंग क्लॉज के साथ मैंशन करते हैं और एक बात याद रखिएगा कि ग्रुप बाई के जस्ट आफ्टर हम हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हैं उसके बीच में और कुछ स्टेटमेंट यूज़ नहीं होगा कभी कभी क्या होता है कि एक जनरल कंडीशन भी होती है ठीक है तो वो कंडीशन हम वेयर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो किस कंडीशन को हम हैविंग के साथ रिप्रेजेंट करेंगे किस कंडीशन को हम वेयर के साथ यूज़ करेंगे इसमें एक स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं तो इसका आंसर सिंपल सा ये है कि जो वेयर कीवर्ड है वो एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज़ नहीं होता एग्रीगेट फंक्शंस के साथ अगर आपको यूज़ करना है तो हैविंग को ही यूज़ करना पड़ेगा सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि ग्रुप के साथ अगर कोई कंडीशन है तो वो हैविंग के साथ मैंशन होगी और जो ग्रुप के साथ कंडीशन नहीं है ग्रुप से अटैच कंडीशन नहीं है तो वो फिर वेयर के साथ यूज़ होगी वेयर ग्रुप वाइज से पहले आएगा और हैविंग ग्रुप बाई के जस्ट आफ्टर आता है और ऑर्डर वाइज सबसे आखिर में आएगा ठीक है ये आ, इसका हैविंग क्लास का इस तरीके से ये सिंटेक्स है कहाँ किस तरीके से कौन सा स्टेटमेंट आएगा सबसे पहले सेलेक्ट कॉलम नेम्स फिर फ्रॉम टेबल नेम टेबल के रिगार्डिंग कोई जनरल कंडीशन है तो वो फिर वेयर क्लॉज वेयर के साथ देन आफ्टर ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बाई ग्रुप पर कोई कंडीशन है तो वो हैविंग के साथ और उसको फिर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मैनेज करना है तो फिर वो ऑर्डर बाई के साथ ये देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है अब इसके अंदर क्या करना है हमको इसके अंदर हमको ये करना है कि हमको ग्रुप बनाना है कस्टमर्स का किस बेसिस पर एज के बेसिस पर ठीक है तो कस्टमर्स का बनाना है किस बेसिस पर एज के बेसिस पर और कंडीशन यह है ग्रुप की कि एज ट्वेंटी सिक्स से लेस देन होनी चाहिए तो हमने लिखा यहाँ पर हैविंग एज लेस देन ट्वेंटी सिक्स तो ग्रुप पे ग्रुप से रिलेटेड कंडीशन थी इसलिए हमने इसको यहाँ लिखा हैविंग के साथ लिखा ठीक है और आपको करना क्या है आपको काउंट करना है कि कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी एज ट्वेंटी फाइव है ट्वेंटी टू है ट्वेंटी थ्री है ट्वेंटी फोर है इस तरीके से तो हम लिखेंगे सेलेक्ट सेलेक्ट के बाद हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे काउंट क्योंकि हमको काउंट करना है क्या काउंट करना है हमको हमने लिख दिया यहाँ पर आई डी आई डी ऐसे पैरामीटर पास कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने भी होंगे वो काउंट हो जाएंगे और क्या शो करना है हमको एज शो करना है तो हमने एज कॉलम को सेलेक्ट किया उसके बाद फ्रॉम कस्टमर टेबल को सेलेक्ट किया उसके बाद ग्रुप बाई किस पे ब्याह पर ग्रुप बनाया एज पर तो देखिए तो सभी एज ग्रुप के जो पर्सन होंगे उनकी जो एज होगी वो एक बार यहाँ पर शो होगी जरूर होगी अब इसमें कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी एज ट्वेंटी फाइव है तो कितना निकल के आ रहा है ये टू ट्वेंटी टू एज के वन है ट्वेंटी फोर का वन है और ट्वेंटी थ्री का वन है तो इस तरीके से हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हैं याद रखिएगा हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप बाई के साथ ही यूज़ होता है जब कभी भी ग्रुप बाई के साथ कोई कंडीशन अटैच होती है तो वो हैविंग के साथ मैंशन करते हैं ठीक है अगली बार नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे इसके थ्रू हम इसको रन करा के देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो